बॉलीवुड में आजकल कोरोना बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और अब ऐसे में भारत रत्न स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर और सभी की ड्रीम गर्ल और फेवरेट एक्ट्रेस हेमा मालिनी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। आखिर वह सही में कोरोना पॉजिटिव है या सिर्फ बीमार, जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और उन्हें इसी कारण हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लता जी काफी बीमार है और उनको मुंबई में स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। राहत की बात ये है कि उनकी फैमिली ने बताया है कि उनको कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स है और वह ठीक है और उनकी उम्र के लिहाज में उनको एडमिट होना पड़ा है। वहीं बात करें सभी की फेवरेट एक्ट्रेस हेमा मालिनी की, तो वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हेमा मालिनी कई दिनों से भीड़ भरे आयोजनों में शामिल हो रही हैं। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही उनके कई समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता मायूस हो गए। हेमा मालिनी ने गले में तकलीफ बताई थी और उनको बोलने में भी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उनका चेकअप करने पहुंची, जिसके बाद पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है लेकिन वह बीमार है, जिसके कारण उनको दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा। अब आगे ये कोरोना बॉलीवुड पर किस तरह अपना कहर बरसाता है, जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद।